नीमच में आज जिला कांग्रेस द्वारा अंबेडकर सर्कल पर कांग्रेस जनों ने हाथरस में दलित बिटिया के साथ में जो अमानवीय घटना हुई है उसी को लेकर मौन धरना दिया है। कांग्रेस ने बताया कि बलात्कार हत्या जैसे गंभीर बढ़ते अपराधों व अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण से उनके बढ़ते हौसलों के विरुद्ध कांग्रेस का अहिंसक प्रतिरोधक मौन धरना आज अंबेडकर सर्कल पर दिया जा रहा है, जिसमें मीनाक्षी नटराजन पूर्व सांसद व राष्ट्रीय अध्यक्ष पंचायती राज नरेंद्र नाटा, पूर्व मंत्री सत्यनारायण पाटीदार और कई कांग्रेसी नेता मौन धरने में मौजूद रहे हैं। महिला के साथ दुर्व्यवहार की घटना हुई, मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थान पर महिला दुर्व्यवहार की घटनाएं हमारे सामने आई हैं और उसमें सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार अपराधियों को संरक्षित करने का काम कर रही है। अलीगढ़ के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं आज उनका बयान भी आया है कि 11 दिन तक तो मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं हुआ और उसके बाद फिर जो हुआ उसको लेकर के एक तरह से ये प्रचार किया जा रहा है कि रेप की घटना तो हुई नहीं, लेकिन हम सब जानते हैं कि उस बेटी का डाइंग डिक्लेरेशन है, जो स्टेटमेंट है, उसने अपराधियों को आइडेंटिफाई भी किया है। फिर अगर जिस तरह से कलेक्टर ने उस परिवार को धमकाया, रातों रात सनातन परंपरा के खिलाफ जाकर अंत्येष्टि की गई, दबाव बनाया गया परिवार पर, अलग अलग दलों के नेताओं को जाने से रोका गया, जिसमें राहुल जी और प्रियंका जी को भी शुरू में रोका गया, बाद में दबाव के चलते उन्हें अनुमति दी गई, ये सब यही दर्शाता है कि जिन आदर्शों को लेकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी ने एक समतामूलक समाज और स्वतंत्रता की नींव रखी थी, वो आज कहीं ना कहीं खंडित हो रही है और अपराधियों की जाति, उनके धर्म और वो किस तरह का उनका मतलब आर्थिक तौर पर कहाँ है, सामाजिक तौर पर कहाँ है, मजहबी तौर पर क्या है, इसके आधार पर अब न्याय होगा जी, इसका हमको सबको ऐतराज है और इसीलिए कांग्रेस ने हर जिले में धरनों का आयोजन किया है, हम लोग भी इसीलिए यहाँ निश्चित तौर पर है। लेकिन जो लोग केवल और केवल इसलिए किसी तरह के अपराध को संरक्षित करते हैं कि वो कमज़ोर तबके से है, वो उनकी मानसिकता को उजागर करता है। इसीलिए हमें भी ये बात कहनी पड़ी कि कोई एक जाति विशेष का है या किसी समाज का है तो उसका जीवन सस्ता नहीं है और उसका जीवन भी उतना ही महत्वपूर्ण है, उसके जीवन की भी उतनी ही गरिमा है। इसका ध्यान पुलिस को उस वक्त रखना चाहिए था जब अंतिम संस्कार हुआ, जब पीड़ित के मृतक के जो अंतिम बयान हैं उस तक को अब नज़रअंदाज करने की कोशिश हो रही है और कलेक्टर ये जाकर कहता है कि मीडिया वाले तो चले आएंगे, आपको यहीं रहना है, ये किस तरह की भाषा है? और क्या ये किसी अन्य, अगर हम कहें कि प्रभुत्व संपन्न समाज का कोई व्यक्ति होता तो उसके साथ ऐसी भाषा का उपयोग होता? ये जो सच्चाई है हमारे देश की, इसको हम नकार नहीं सकते और इसीलिए ये भी बात कहना ज़रूरी है कि चाहे वो किसी भी समाज के हों, वाल्मीकि समाज की ही हों, कांग्रेस में आज हर समाज का व्यक्ति उसके साथ है, क्योंकि ये समाज की बात नहीं है, ये अत्याचार की बात है। जिला कांग्रेस का तो अपना ही आज आयोजन है और पूरी समाज के लोगों ने समाज का प्रश्न नहीं है, लेकिन जिला कांग्रेस का अपना भी आयोजन है और जिला कांग्रेस हर जगह अपना आयोजन करेगी और इसमें सब समाज के लोग शामिल, क्योंकि कांग्रेस जाति और धर्म के आधार पर पीड़ित के साथ खड़ी होती है या उसके खिलाफ जाती है, इसके उसका ये आधार नहीं होता, न्याय उसका आधार है और उसी आधार पर हम लड़े। कांग्रेस की राजनीति का प्रश्न इसलिए यहाँ पर खड़ा नहीं होता कि कांग्रेस की ही सरकार थी केंद्र में जब निर्भया की भी घटना हुई, लेकिन कांग्रेस के प्रधानमंत्री उस वक्त जो देश के थे, जो यूपीए की चेयरपर्सन थी, वो स्वयं गई पीड़ित के मृतक शरीर को अंतिम नमन करने के लिए और उसमें किसी को भी रोका नहीं गया उनसे मिलने के लिए। उस पर उसी के बाद फिर जैन कमीशन का गठन हुआ, उसी के बाद फिर वो फास्ट ट्रैक करके किस तरह न्याय मिले इसका प्रयास किया गया और वो कानून भी बना। और आप सब जानते हैं कि अगर कहीं पर भी इस तरह की घटना होती है वो घटना बेहद दुखद है और उस घटना को छुपाना उसका कोई सॉल्यूशन नहीं। राजस्थान की सरकार ने उस घटना को छुपाने की कोशिश नहीं की, ना तो उसमें किसी तरह से जो जाँच की जो पूरी प्रक्रिया है उसको दखल करने का उसमें प्रयास किया। लड़ाई इस बात की हो रही है कि उस पूरी प्रक्रिया को दबाने की कोशिश हो रही है, उसके खिलाफ हमारी ये लड़ाई। नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट।